हेलो डियर स्टूडेंट, योर आई एम संगीता। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द असाइनमेंट ऑफ क्लास 7th ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट का हम असाइनमेंट कर रहे हैं। लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड विद द डूएस डायरेक्टेड सेवरल क्वेश्चन आंसर्स, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना ये इंग्लिश का जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करेंगे विद द ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हमारे सिर्फ बाकी है अप्लीकेशन लेटर जो है आपके 5 मार्क्स के हैं, वो आज हम करेंगे, और एसे राइटिंग है। एसे राइटिंग जो है वो 10 मार्क्स के हैं, वो आपको खुद को लिखने हैं। एंड देन उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं 5, दैट इज़ द चैलेंज ऑफ द कोविड-19। कोविड-19 में हमने किस तरीके से फाइट किया, उसका क्या था, डीमेरिट्स क्या है, क्या हुआ, उसका मेरिट्स क्या निकला, उसके बारे में आपको लिखना है। मतलब फ़ायदा क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, किस कैसे टाइप के कंडीशन देखने पड़े, या तो फिर क्या क्या चीज़ें हुई, कितना पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ, वो सब के बारे में आपको ऐसे में इसमें लिखना है। दैट इज़ द चैलेंज ऑफ कोविड-19। और किसने कितना फ़ाइट किया, किसने हमारी मदद की सबसे ज़्यादा, कौन सा जो स्टेट था या तो फिर कंट्री था सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ इंडिया में, तो वो सब आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन से तो अभी आपको पता ही चल गया हो कि ऑनलाइन क्लासेस कितने ज़्यादा हमें इफेक्ट कर रहे हैं, और कैसे हम लोगों के डेली रेगुलर जो स्कूलिंग में जो एग्जाम्स जो रहते थे या तो फिर जो स्टडीज चलती थी वो बेटर था। तो आपको इस सब के बारे में लिखना है कि एजुकेशन हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में लिखना है। नेचुरल डिजास्टर्स जो था हमने ऐसे साइंस में हम एक चैप्टर चालू किए थे, दैट इज़ हरिकेन साइक्लोन ये सब पढ़ा था, तो उसमें प्रिकॉशंस देखे थे क्यों हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, सब नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में लिखने हैं आपको कि नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो क्या कॉज कर सकता है, कि बेनिफिशियल है, कि उसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो सब आपको लिखना है। और उससे हम प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, कंक्लूजन क्या दे सकते हो, और लोगों को क्या आप मोटिव कर सकते हो कि क्या आपको करना चाहिए ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपके पास उम्मीद है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी वे अगर आपने चूज़ किया है उसमें आप सक्सेस हो ही सकते हो। तो इफ़ यू विल नॉट ट्राई देन यू विल नॉट गेट सक्सेस। सो आपको ट्राई करते रहना चाहिए, और वो जो आपने रास्ता चूज़ किया है उसके पीछे जी जान मेहनत करना चाहिए, हार्डवर्किंग हमें होना चाहिए। हार्डवर्किंग नहीं होगा तो आपको वो सक्सेस, आपका डेस्टिनी नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आपको पूरा एसे लिखना है। नाउ उसके बाद में नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस के बारे में और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लिखना है कि टेक्नोलॉजीज़ जो है वेरियस टाइप्स के टेक्नोलॉजीज़ कैसे निकले हुए हैं, क्या चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व करते हैं साइंस को भी, कि साइंस का मतलब क्या है, साइंस जो है वो किस लिए बेनिफिशियल है उसको समझना, उसके बारे में आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 5 मार्क्स का है, अप्लीकेशन लेटर लिखना है। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इसमें आपको क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर बिगिनिंग अबाउट सम इम्प्रूवमेंट इन अ वर्किंग ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल की लाइब्रेरी फॉर्म करने के लिए आपको प्रिंसिपल को क्या लिखना है, लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ लेटर टू योर यंग ब्रदर एडवाइजिंग हिम अबाउट द फ्यूचर करियर। आपके फ्यूचर, आपके भाई को, यंग ब्रदर मतलब आपके छोटे भाई को आपको लेटर लिखना है, और उसे ये बोलना है कि अपने फ्यूचर के करियर को ध्यान से उसके स्टेप्स लेने हैं, और कैसे स्टेप्स लेने हैं वो अभी हम करेंगे, कि इसको मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बताया है। इस तरीके का आपको फॉर्मेट लिखना है लेटर का। लेटर का जो पेपर होगा आपका, पेपर के आपको क्या करना है, मार्जिन होगा, मार्जिन के जस्ट स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है, ये लेटर लिखना, और ये यंगर ब्रदर का लेटर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, कौन सा सिटी है, जैसे कि इधर एड्रेस, आप इधर का एड्रेस लिख सकते हो, सिटी सूरत आएगा। फिर उसके बाद में डेट लिखना है, जैसे कि आज का डेट क्या है हमारा, 10th November, तो वी विल राइट इट डाउन 10th November 2020। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना है। एंड देन फिर एक लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन में आपको डियर, आपके ब्रदर का नेम जो भी हो, मैंने इधर एग्जाम्पल में दिया है रमेश, डियर रमेश, फिर उसके बाद में एक लाइन गैप करना है, एक लाइन लीव करके फिर नेक्स्ट लाइन लीव करना है, फिर आपको पूरा कंटेंट लिखना चालू करना है। नाउ कंटेंट में हम क्या लिखेंगे, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अब क्या बोल रहा है उसका भाई जो है, एल्डर ब्रदर जो है, वो क्या बोल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तेरे लिए, दैट यू हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तुमने बहुत अच्छा एग्जामिनेशन, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ने बहुत अच्छा वर्क किया है और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, योर हार्ड वर्क हैज़ बिन रिवॉर्डेड, और तुम्हारी मेहनत जो है वो रंग लेकर आई। टुडे यू आर
स्टैंडिंग एट दीज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ योर करियर. अब क्या बोल रहे हैं उसका भाई कि तुम अभी इस कंडीशन में हो, इस सिचुएशन में हो कि ऐसे ऐसा पोजिशन है या तुम्हारे पास में कि अब तुम्हारा करियर का स्टार्टिंग स्टेज होगा. अब जो भी था वो हो गया, बट अब बोर्ड एग्जाम्स में तुमने अच्छे स्कोर किए हैं, अब आप तुम्हारा करियर स्टार्ट हो गया. तो आप तुम्हें जो है एकदम अच्छे से कोई भी स्ट्रीम जो है अपने विल का स्ट्रीम चूज करना है ताकि तुम उसमें 100% दे सको. तो यू हैव टू टेक राइट डिसीजन. अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा राइट डिसीजन लेना पड़ेगा. डू नॉट टेक अप एनी स्ट्रीम ब्लाइंडली सिंपली बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली प्रेशर. फैमिली प्रेशर या तो फिर फ्रेंड के वजह से तुम कोई भी स्ट्रीम मत ले लेना कि हाँ चलो मेरे फ्रेंड ने ये स्ट्रीम लिया है तो आई विल बी टेकिंग दिस स्ट्रीम. सो यू हैव टू नॉट डू लाइक दैट कि तुम्हें ऐसा सब नहीं करना है. तुम्हें अपने चॉइस का ही स्ट्रीम चूज करना है जिसमें तुम 100% दे सको और तो और उसमें तुम्हारा रिजल्ट जो है वो 100% आए. चूज द स्ट्रीम ऑफ योर ओन इंटरेस्ट. जो तुम्हारे इंटरेस्ट का स्ट्रीम होगा वही तुमको चूज करना है. होप यू विल नाउ. फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन लीव करना है. नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है होप यू विल थिंक ट्वाइस ऑन इट. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात के ऊपर, मेरी ये बात के ऊपर 2 से 3 बार आप उसको गौर करो और उसको आप समझो. आई एम वेटिंग फॉर द गुड साइन. और मैं तुम्हारे गुड साइन के लिए मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ, वो भी गुड. फिर उसके बाद में एक लाइन लीव करना है विद बेस्ट विशेस. वो विशेस देना चाहते कि अच्छा हो. नाउ फिर लाइन छोड़नी है योर अफेक्शनेटली या तो फिर हम योर लविंगली ब्रदर का नाम लिखना है. हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द होल असाइनमेंट. होप यू विल बी डूइंग योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.